Hello friends, welcome back to Alia Poach, and the topic for today is electrolysis of sulfuric acid. Sulfuric acid is also called H2SO4, formula hota hai H2SO4. Sulfuric acid ka jo electrolysis hoga, acids ka kabhi molten electrolysis nahi hota, molten hote hi nahi hai. Electrolysis of acids is always aqueous. Aqueous acids ka hi electrolysis hota hai. Aqueous acids भी हो सकते हैं concentrated या फिर dilute. तो concentrated dilute दोनों केसेस में केस ऑफ H2SO4 the products are same. दोनों केसेस में same products बनते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, same products बन रहे हैं. So I'll be explaining this with the same diagram. You can see almost same electrolysis होता है. The only difference is the electrolyte. क्योंकि concentrated में electrolyte होता है concentrated H2SO4. In which there is more concentration of acid and less concentration of water. Dilute में electrolyte होता है dilute sulfuric acid. जिसमें there is more concentration of water and less concentration of sulfuric acid. So, मैं आपको एक ही डायग्राम से समझाने वाली हूं. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वी हैव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हिच इज नो मोर देन अ बीकर. ठीक है, ये है. अब हमने इसमें डाला है अपना इलेक्ट्रोलाइट. लेट्स से इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हमने डाले इलेक्ट्रोड्स. क्योंकि हमें अगर करंट पास कराना है, वही कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, करंट पास कराना है तो हम बेयर वायर तो डिप नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा. H2SO4 के साथ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट टू मेक एल्यूमिनियम सल्फेट, तो हम बेयर वायर तो डिप नहीं कर सकते है ना. तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड्स चाहिए जिनको हम वायर से कनेक्ट करेंगे. अब इलेक्ट्रोड मटेरियल की कुछ कंडीशंस होंगी. सबसे पहली कंडीशन है इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड होना चाहिए कि वो इनर्ट है, मतलब हमारे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स के साथ रिएक्ट ना करे. तो ये कंडीशंस दो मटेरियल जो बहुत कम रिएक्टिव है सेटिस्फाई करते हैं, प्लैटिनम एंड ग्रेफाइट. अब हमें कैसे पता ये कम रिएक्टिव है, देयर इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स जिसमें दो नॉन मेटल्स हाइड्रोजन एंड कार्बन आते हैं और उन मेटल्स को अरेंज करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. जैसे जैसे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी कम होगी, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव होगा. तो ये जो एलिमेंट्स है प्लैटिनम और ग्रेफाइट मेनली कार्बन, ये बहुत नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हेंस दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, राइट. हाउएवर इन सम एक्सपेरिमेंट्स ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यू कैन से नॉट रिकमेंडेड. क्यों, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में लाइक दिस वन ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो फेड अवे कर जाते हैं और दे हैव टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दैट. और अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी हो इट इज कॉस्टली, तो इन दोज केसेस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर रिकमेंडेड. बट जैसे आपको घर पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो फिर द बेस्ट इलेक्ट्रोड इज ग्रेफाइट. कैसे ग्रेफाइट भी, जैसे पेंसिल है ना, पेंसिल को वायर से कनेक्ट कर दो, पेंसिल इलेक्ट्रोड बन गई क्योंकि पेंसिल में थोड़ा सा क्ले बाकी तो ग्रेफाइट ही है, राइट. तो कंटिन्यूइंग ऑन विद दिस, इन दिस एक्सपेरिमेंट इफ यू आर डूइंग ऑन लार्ज स्केल देन प्लैटिनम इज रिकमेंडेड, इफ यू आर डूइंग एट होम जैसे करना है देन ग्रेफाइट इज रिकमेंडेड. अभी हम जैसे मान लेते हैं घर पे कर रहे हैं तो ग्रेफाइट. अब इनको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो रिकमेंडेड वोल्टेज इज 6 वोल्ट. ठीक है, और यहाँ पे हमें एक की लगाना है, स्विच भी लग सकता है, ठीक है, बट जो भी लगेगा की लगेगी स्विच लगेगा वो क्लोज लगना चाहिए. क्लोज लगना चाहिए मतलब ऐसा लगना चाहिए कि सर्किट में करंट फ्लो करे. ठीक है, एक तो एक क्लोज टर्म कंफ्यूज मत करना. हम कहते हैं स्विच ऑफ कर दो, लाइट का स्विच ऑफ कर दो, तो उसका मतलब होता है कि करंट का फ्लो रोक दो, सर्किट तोड़ दो. लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में बोलो कि ऑफ स्विच बनाओ, तो उसका मतलब है कि ऐसा स्विच बनाओ जिस जो अगर हो तो करंट फ्लो करे. तो इन इनको कंफ्यूज नहीं करना. द
नाउ कमिंग बैक हियर, यहाँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, इससे जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है ये वाला, ये एनोड है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो कैथोड है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ठीक है। लेबलिंग एक तो काफी जरूरी होती है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोड, ईटीए भी लिख रही हूं मैं, ये है बैटरी और ये है की, ठीक है। इफ यू वांट आप ऐसा भी स्विच बना दो, बट केयरफुल ऐसी की नहीं और ऐसा स्विच नहीं बनाना, ऐसा चलेगा और ऐसा चलेगा, ठीक है। सो कंटिन्यूइंग ऑन विद दिस, हमारी ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये बैटरी है। अब देखो आगे चलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या है, H2SO4 है और वाटर है। तो अगर हम देखेंगे क्या क्या आयंस बनते हैं, H पॉजिटिव, SO42 नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव, SO42 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब हमें पता है ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक जाएंगे, पॉजिटिव आयंस कौन से, ये वाले। तो यहाँ है H पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब ये कैथोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, उससे अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव आयंस के, तो ये कैथोड पे जाएंगे। हमने देखा एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इससे अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव आयंस, तो ये दोनों जाएंगे एट द कैथोड। तो यहाँ आ गया SO42 नेगेटिव, SO42 नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब यहाँ पे तो क्या है, OH नेगेटिव और SO42 नेगेटिव दोनों आ गए, तो इनमें से किसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाए, इसमें से किसकी टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाए। लूज क्यों करना है, आयन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए थे, तो अब वापस स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। तो एक सीरीज होती है इसके लिए भी, जो कि होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऐसे बेसिकली दो होते हैं जिनमें इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अरेंज किया होता है, ठीक है। तो मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, है ना, या फिर उसकी, या फिर उस नेगेटिव आयन की ज्यादा टेंडेंसी होगी स्टेबल होने की, समझ में आ रहे। तो यहाँ पे उस सीरीज के हिसाब से OH नेगेटिव की ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, ठीक है। तो OH नेगेटिव जो है वो 4 OH नेगेटिव, 4 OH और 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, तो OH 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 OH, ठीक है, H2O और OO, तो 4OH नेगेटिव से बना है 2H2O, O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लियरली यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन रही है, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जाएंगे, और ये 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 4H बना देंगे। 4H है ना, H H H H, इन दोनों का H2 बन जाएगा, इन दोनों का H2, तो 4H की जगह लिख दो 2H2, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ हाइड्रोजन बनेगी, पर अगर हमें टेस्ट करना है कि कौन सी ऑक्सीजन कौन सी हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे, तो होते हैं इनके टेस्ट, इसको कलेक्ट कर लो। अब आप क्या करो, हाइड्रोजन का टेस्ट है, एक माचिस की तील लिए, एक बर्निंग स्प्लिंटर लो, उसको जला दो और फिर उसे उस बीकर मिलाओ जिसमें आपको हाइड्रोजन टेस्ट करना है। अगर वो पुप पुप साउंड से बुझ जाता है, देन द गिवन गैस इज हाइड्रोजन। बट ऑक्सीजन का अगर टेस्ट करना है तो क्या करो, एक माचिस की तीली, बर्निंग स्प्लिंटर लो, उसे जला दो, और जब वो जल जाए तो उसे बुझा दो, तो हल्का हल्का ग्लो कर रहा होगा। अब उसे उस फ्लास्क में या बीकर में डालो जिसमें यू डाउट कि ऑक्सीजन है, तो क्या होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन है तो वो दोबारा बर्न करने लगेगा या फिर रीइग्नाइट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, एंड हेंस इट विल हेल्प द मैच स्टिक या स्प्लिंटर रीइग्नाइट। तो दीज आर द टेस्ट। ये तो हमने बात की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की,
अब बात रही डाइल्यूट की, तो डाइल्यूट का भी इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल ऐसे ही होता है, सेम रिएक्शंस होते हैं, सेम डायग्राम होता है, तो बस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जो है डाइल्यूट। यू कैन से इन बोथ द केसेस जो मेन इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वो वाटर का ही हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बन रही है और ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है, सो नाउ आई होप दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी क्लियर टू यू। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस ट्यूटोरियल। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड यू कैन सी द बोर्ड इफ यू वॉन्ट।